लेट्स लुक एट क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल क्वांटिटी डिस्काउंट इन मैनी केसेस आर अवेलेबल जब लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाता है तो उस वक्त डिस्काउंट पे सेल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू मार्केट और उधर इंस्टेड ऑफ बाइंग वन किलो अनियंस आप कहते हैं कि जी दुकानदार कहता है कि जी पाँच किलो अगर आप परचेज़ कर लें तो पचास रुपए किलो के बजाय पैंतालीस रुपए किलो पे बेच दूंगा मैं तो उस केस के अंदर फिर आपको अब वो जो है क्या कहते हैं डिसाइड करना होता है कि एक किलो परचेज करें जिसकी आपको नीड है या पाँच किलो परचेज़ करें जो कि आपको सस्ते दामों मिल रहा है अब इसके अंदर जो एक्चुअल इशू uh, आता है वो ये है कि क्वांटिटीज जब आप परचेज करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं एक आपके uh, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है ठीक है लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर आपने कंपेयर करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी बेहतर uh, है परचेज uh, करने के लिए जो कि आपकी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे अब इस केस के अंदर जो टोटल कॉस्ट है हमने ईओक्यू मॉडल के अंदर किया था कि टोटल कॉस्ट इज एनुअल सेटअप कॉस्ट प्लस एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बट क्योंकि नाउ हमारी जो परचेज प्राइस है उसमें भी फर्क आ रहा है तो इसलिए उसको भी टोटल कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे टू सी के कौन सा क्वान्टिटी uh, uh, जो है वो बेहतर होगी टू परचेज विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट सो बेसिकली द टोटल कॉस्ट इन दिस केस इज एनुअल सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस P multiplied by D P is the purchase price and D is the annual demand. So ये आपके total, uh, cost कॉस्ट बता देगी जिसके basis के ऊपर फिर आपने decide करना होगा uh, इसके अंदर steps जो है वो क्या है कि इसके आपने first step के अंदर हर डिस्काउंट uh, price के बेस के ऊपर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन करनी है वो आपने uh, हर उसके लिए रेंज के लिए आपने कैलकुलेट करनी है बट टू स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइस फर्स्ट फॉर एग्जांपल प्राइस है एक नॉर्मल प्राइस है चार डॉलर की यूनिट uh, कॉस्ट है फिर पांच डॉलर की प्राइस तीन डॉलर की प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट uh, के बेसिस के ऊपर लार्ज क्वांटिटी परचेस करनी पड़ रही है फिर ढाई डॉलर के ऊपर उससे लार्ज क्वांटिटी करनी पड़ रही है तो इसके अंदर जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ द लोएस्ट प्राइस जो डिस्काउंट है उससे आप शुरू करेंगे और फिर उसको आप यू विल कीप ऑन डिटर्मिन ई क्यू फॉर ईच प्राइस रेंज टिल यू कम अपीजेबल आपको मिल जाए वो फीजेबल क्या होगा के जो क्वॉंटिटी uh, है वो उसी प्राइस डिस्काउंट uh, के अंदर उसी रेंज के अंदर फॉल कर रही है क्वांटिटी की तो वो आपका फिजेबल होगा बाकी फीजेबल आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे तो इसके अंदर आपने जब फर्स्ट आपको मिल जाता है तो उसके जितने भी लोअर प्राइस वाले और होंगे उसके अंदर आप उनकी क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे सो so दैट जिसको हम कहते हैं प्राइस ब्रेक क्वांटिटी तो लोएस्ट उस रेंज के लोएस्ट क्वांटिटी के आप एडजस्ट कर कर उस पर डिसाइड करेंगे कि अब ये हमारे पास दो या तीन या चार डिफरेंट क्वांटिटीज आ, आ गई हैं और डिफरेंट डिस्काउंट के वो वैल्यूज आ गई हैं तो इसके बेस पर आपने उसको चेक करना है देन यू विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच फीजल जो आपके क्वान्टिटी uh, है उसका आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है हर एक की और जिसकी भी सबसे कम होगी टोटल कॉस्ट उसको आपने सेलेक्ट uh, कर लेना है ऑर्डर क्वांटिटी के तौर पर इट इज नॉट नेसेसरी के जो आपकी वो क्या कहते हैं जो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑप्टिमम क्वांटिटी भी है इट पॉसिबल कि वो अपने रेंज में ऑप्टिमम ना हो ठीक है ये हम ग्राफिकली इसके देख लेते हैं कि हमारे पास रेंज है कि बिटवीन जीरो एंड वन थाउजेंड यूनिट्स की एक रेंज है फिर वन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड की रेंज है वो एनदर प्राइस के ऊपर है फिर मोर देन टू थाउजेंड की रेंज है जो कि अनदर प्राइस डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है तो वट यू विल डू इज के आप इओ क्यू फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट कर्व आपके इसके अंदर लट से फर्स्ट नॉर्मल प्राइस के अंदर दिस इज दू का टोटल कॉस्ट कर्व बेसिकली एंड दिस इज योर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस का कर्व एंड दिस इज थर्ड डिस्काउंट प्राइस का कर्व नाउ यू कैन सी के जो सेकंड डिस्काउंट प्राइस का कर्व है उसका फॉल जो कर रहा है EUQ जो हमने कैलकुलेट किया वो फॉल कर रहा है इन द रीजन ऑफ नॉर्मल प्राइस फर्स्ट जो प्राइस थी उसके रीजन में फॉल कर रहा है दैट मीनस कि अगर आप ये प्राइस ये ऑर्डर करते हैं क्वान्टिटी तो आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस मिलनी है वो नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोअर थाउजेंड से लोअर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू एडजस्ट इट टू द लोएस्ट क्वांटिटी इन दिस रेंज दैट इज वन थाउजेंड यूनिट तो वन थाउजेंड यूनिट का अगर आप ऑर्डर करें तो देन यू विल गेट द प्राइस ऑफ जो कि हमने सेकेंड डिस्काउंट की जो प्राइस है वो आपको इसमें मिल जाएगी तो उस बेसिस के ऊपर यू विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली इसी तरह आपने थर्ड को एडजस्ट करना है टू टू थाउजेंड क्योंकि ये भी कर नीचे जा रहा है तो इसको हमने फिर इस तरह एडजस्ट करना है सो so दैट फिर इन तीनों की हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है और उसको कंपेयर करना है कि लोएस्ट टोटल कॉस्ट किसकी आ रही है वो आपने क्वांटिटी ऑर्डर करनी है सो इन दैट केस आइदर इट विल बी वन यूनिट का ऑर्डर और टू यूनिट्स का ऑर्डर और बिटवीन जीरो एंड वन थाउजेंड जो भी टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम हो